अभी परसों दिन बीपीएससी का रिजल्ट निकला दे रहा है लेकिन रिजल्ट आया 2019 में भी एक रिजल्ट आया बीपीएससी का। तो रिजल्ट आना ये समझ में नहीं आता इसमें, तो इसमें भी खेला हो गया, इसमें भी खेला बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के निर्देश पर ही हुआ होगा। तो बीपीएससी का रिजल्ट है तो उनके निर्देश पर इसमें खेला हो गया, और इसके पीछे वाला में बहुत बड़ा खेला हुआ था, इसमें उससे थोड़ा सा घटा करके खेल। तो हम ये जानना चाहते हैं, आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं, बिहार के लोग भी जानना चाहेंगे कि आखिर ये खेल क्यों हो रहा है, आखिर ये खेला क्यों हो रहा है कि जब रिजल्ट निकलता है तो बीसी क्लास और बीसी क्लास और इनका जिनका रिजर्वेशन नहीं है जनरल क्लास दोनों का एक ही मार्क्स बर्थ है। हम ये दिखाना चाहेंगे इस बार के रिजल्ट में ये देखेंगे तो दोनों का 535 पे ही हुआ है, दोनों को 535 अंक पर लिया गया। इसके पीछे साल में 2019 में बैकवर्ड क्लास का जो रिजर्वेशन के कोटे में जो आ रहे थे उनको जनरल से भी 7 मार्क्स ज्यादा पर उनका बीपीएससी में हुआ, और इस बार नीतीश कुमार जी ने इतना जरूर किया है कि वो बराबर कर दिया है, बैकवर्ड क्लास और जनरल क्लास जो है दोनों बराबर हो। तो हम पूछना चाहते हैं कि क्या कमंडल के गोद में बैठ करके जिस मंडल के नाम पर आप शासन करने आए थे तो मंडल को खत्म कर देंगे क्या हमारे आरक्षण को? ये तो सीधा सीधा हुआ, हमारा आरक्षण खत्म हो गया, पिछले साल जनरल से भी ज्यादा पर हमको आपने लिया और इस बार हमको बराबर कर दिए। तो हमारी आय अभी उतनी नहीं है, हम अभी सबसे पिछले ये में है, पीछे में है, और आपने हमें कैसे बराबर कर दिया? तो नीतीश कुमार जी को आप सामने आकर के इस बात को बतानी चाहिए कि आखिर हम कहां से बराबर हुए, कैसे बराबर हुए, आखिर किस भरोसे आपने हमें बराबर कर दिया। ये मंडल और कमंडल, आप कमंडल के साथ बैठ करके मंडल को कैसे भूल गए? मंडल आयोग, ये बाबा साहब का जो आरक्षण का एक संविधान है उस संविधान के तहत ये बना हुआ है। तो हम कहना चाहते हैं कि ये संविधान के अंदर जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को आप नमो व्यवस्था से बदल लेंगे क्या? आप नमो व्यवस्था से जो गद्दी पकड़े हुए हैं उस व्यवस्था के लिए आप हमारे अधिकार को छीन लेंगे क्या? और अधिकार को छीन लेंगे और हम लोग कब तक चुप बैठे रहेंगे? अभी कोविड का दौर है, इस पर पूर्ण विचार करना पड़ेगा, और अगर नहीं विचार करेंगे तो हम लोग बिहार में पूरे बिहार में इसके लिए जन आंदोलन खड़ा करेंगे, और आंदोलन खड़ा करके जो पिछले में भी जो गलतियां की है और इसमें भी जो गलतियां की है तो आरक्षण शब्द भी हमारे हमसे हटाना होगा ना, तो संविधान को खत्म कीजिए। और हमारे माननीय नेता विपक्ष से भी आग्रह, नेता विपक्ष का एक ट्वीट हमने देखा, इसने बीपीएससी परिणाम में आरक्षित और अनारक्षित वर्ग का कट ऑफ मार्क्स बराबर कर दिया, क्योंकि नीतीश जी ने 15 साल में अपनी जाति की प्रति व्यक्ति आय बिहार में सबसे अधिक कराने के लिए पिछड़ों को बाकी पिछड़ों को लात मारी। तो मैं तेजस्वी जी आपको कहना चाहता हूं कि ये जाति नीतीश जी के शासन से जन्म नहीं ली, इसी जाति के प्रथम गृह मंत्री हमारे सरदार आदरणीय सरदार पटेल भी थे, चलिए। और ये कहनी चाहिए कि आरक्षण की लड़ाई 89 में भी हुई थी, 1989 में मंडल आयोग की सबसे बड़ी बीपी सिंह के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी गई, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी गई। अब फिर से उस लड़ाई को लड़ने की जरूरत होगी, नहीं तो हमारे भाइयों और बहनों को नौकरियां नहीं मिलेगी। इसी तरह से ये तथाकथित हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं ये सही में किसी आरएसएस के रंग में रंग गए हैं और अपनी कुर्सी के लिए
हमारा जो संविधान है बाबा साहब का उसको भूल करके ये नमो साहब को संविधान लागू करना चाहते हैं जो हम कभी भी बिहार में लागू नहीं हुए।